मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं, आज है 28 अगस्त 2022। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर SFI के अरविंद भाटी ने जीत हासिल की है। अरविंद ने NSUI के हरेंद्र चौधरी को 905 वोटों से हराया है। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। कांटे की टक्कर में निर्मल चौधरी ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि NSUI से बागी उम्मीदवार और मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल को 1465 वोटों से हराया है। निर्मल चौधरी को कुल 4043 और निहारिका को 7578 वोट मिले हैं। एक और बड़ी खबर, देश भर में पिछले 3 महीने में 100 से ज्यादा केस सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टोमेटो फ्लू को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें 12 साल तक की उम्र के बच्चों को विशेष सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इस बीमारी से बच्चों के शरीर पर लाल टमाटर की तरह छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं। इसके चलते इस बीमारी को हेल्थ विशेषज्ञों ने टोमेटो फ्लू का नाम दिया है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम हैंड फूड एंड माउथ डिजीज है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान ने भी सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट, जिलों के CMHO और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को एडवाइजरी जारी करते हुए इस मामले में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। शिशु रोग विशेषज्ञों की माने तो इस बीमारी में बच्चों के फफोले होने के साथ ही बुखार आता है और एक तरह का सामान्य वायरल इन्फेक्शन है जो कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अगर किसी बच्चे में टोमेटो फ्लू के लक्षण दिखाई दे तो अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही इलाज शुरू करना चाहिए। हालांकि डरने की बात नहीं है, क्योंकि यह एक तरह का सामान्य वायरल इन्फेक्शन है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई मंत्री परिषद की बैठक में कुछ बड़े फैसलों पर चर्चा हुई है। मंत्री परिषद की बैठक में गोवंशीय पशुओं में लंपी स्किन रोग पर भी चर्चा हुई और प्रदेश में अतिवृष्टि से बाढ़ की स्थिति को लेकर भी अहम चर्चा हुई। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने शनिवार को कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर नियमानुसार सहायता दी जाएगी। गहलोत ने शनिवार को अतिवृष्टि प्रभावित करौली जिले का हवाई सर्वे किया। इस दौरान CM गहलोत के साथ आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल और पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा भी थे। CM गहलोत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों के बारे में जानकारी लेकर फसल, पशुओं तथा सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं। राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में अब बारिश की गतिविधियां काफी कम हो गई है और मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे सप्ताह बारिश की संभावना काफी कम है। हालांकि छिटपुट स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन अधिकतर जगहों का मौसम अब साफ रहेगा। लेकिन बड़ी अपडेट ये है, बारिश का एक और नया दौर शुरू हो सकता है। हालांकि अभी 7-8 दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों का मौसम साफ ही रहेगा, उसके बाद जब भी ये नया दौर आता है तो उसको लेकर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एक और बड़ी खबर, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान की टीमें आज एक लंबे वक्त के बाद क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होगी। एशिया कप 2022 में रविवार को दोनों टीमों की जंग होगी, जहां रोहित शर्मा और बाबर आजम के सैनिकों में मुकाबला होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा और दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। तो बड़ी अपडेट यह है, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला आज शाम 7:30 बजे होगा। आप शाम 7:30 बजे इस मैच को अपने TV पर देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर, शनिवार को हुई गहलोत कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। पंचायत राज कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 में 4000 पद भरे जाएंगे और 4000 अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति देने का बड़ा निर्णय लिया गया है। जिला परिषदों के द्वारा राजस्थान पंचायती राज के प्रावधानों के अनुसार भर्ती हुई थी। बड़ी अपडेट ये है, वर्ष 2017 से बंद हुई भर्ती प्रक्रिया को अब फिर से शुरू किया जा रहा है। वहीं गहलोत कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, राजस्थान हेल्प स्लिप नीति 2022 हुई जारी। परंपरागत हेल्प स्लिप को बढ़ावा मिलेगा, विलुप्त होती हस्तकलाओं को एक बार फिर पुनर्जीवित किया जाएगा। तो यही थी देश और प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे प्रदेश की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।